गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर निगम के कर्मचारियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि नगर निगम के सभागार में गणतंत्र दिवस पर अयोध्या दास इंटर कॉलेज की छात्राओं ने देशभक्ति गीत गाया तथा मुख्य अभियंता ने देशभक्ति कविता सुनाया। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बेहतरीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया व यूपी दिवस के अवसर पर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस की स्थापना से लेकर आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा सबको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा। नगराई साहब परिवार सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। एक बार आप लोग जोरदार तालियों से एक बार आप नारा लगा, नाम का शोर पुनः बुलंद हो रहा था। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान की आजादी जिंदाबाद। भले ही जाए विश्व शांति करके जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या निशा, अयोध्या दास बालिका इंटर कॉलेज में पधारे। अभी भी गणतंत्र देश के रूप में नहीं हुए थे, इसलिए एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो हमें कहीं ना कहीं हमें अवसर, समानता, बंधुत्व, उपासना और सामाजिक, तो इस पे दिल कुर्बान। धन्यवाद देता हूँ और ये एक आह्वान करता हूँ कि मन ही मन सभी शपथ ले, पुनः शपथ ले। हर बार राष्ट्र पर्व के लिए हम शपथ लेते हैं, मन ही मन शपथ ले कि हम अपने को दिए गए दायित्वों का पूरी ईमानदारी और सत्य निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। एक रिन्यूअल होना चाहिए। अतिथि पुरस्कार के लिए उमा शंकर, आगे हम बुलाते हैं। हाथ लगा दे, हाथ लगा दे।
तृतीय स्थान के लिए पुरपुर साहब को जो है सम्मान दिया जा रहा है, वो ज्यादा तालियों से स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत किए। स्वागत करते रहे होती है कीमत पानी की। इसके बाद श्री प्रमोद जी से शुभ में संतोष नहीं मिलता है, जोरदार ताली से स्वागत। लाइट विभाग के मोहम्मद शरीफ, मैं सबसे पहले तो स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक न होने की वजह से मैं बैठ के आपसे बात करूंगा। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर मैं नगर निगम परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर उससे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही, ऐसा किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जब अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो बीच में आए और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, रसा को वार्ता के माध्यम से इसका हल निकालना चाहिए, दोनों पक्षों को बैठकर इसका हल निकालना चाहिए, तो सबसे ज्यादा रूसी प्रेसिडेंट ने अपने देश के प्रधानमंत्री की बात को तवज्जो दी। जैसे लेखाधिकारी महोदय, सभी जीएम साहब से भी कहूंगा, आप इनके एनजीओ की हेल्प दीजिए, इनके एनजीओ को बुलवाइए, बातचीत करिए, जिससे कि इनको और भी लाइफ में आगे बढ़ने के मौके मिले और जो शासन ने इनकी जो कल्याणकारी योजनाएं इनके लिए चालू की हैं उनको इन लोगों को उसका पूरा लाभ मिले। एक बार पुनः मैं अपने सभी साथियों को, अपनी पूरी टीम को नगर निगम के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आज गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व पर सबको बधाई देना चाहूँगा। मैं किसी एक का नाम लेकर दूसरों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर सबसे पहले तो मैं जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि गणतंत्र दिवस की स्थापना से लेकर आज तक पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है। कोई भी क्षेत्र ऐसा है, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामरिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हमारे देश की जो शक्ति है वो बढ़ी है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक